नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आई हूँ अपनी एक नई डिश की रेसिपी के साथ। ये है खिंडा, हिमाचल की बहुत ही फेमस डिश है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए गुड़, ठीक है, आटा और पानी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बस ये तीन चीज़ें चाहिए और आपकी डिश तैयार। सबसे पहले हम पानी को गर्म कर देंगे, है ना। ठीक है, उसके लिए जो गुड़ है ना, इसको पानी में डाल देंगे। तो पीछे से देख लिया, मैंने बर्तन चेंज कर दिया है। गुड़ को ना लो फ्लेम पे मेल्ट होने देंगे, क्योंकि अगर आप फ्लेम हाई करोगे ना तो हो सकता है आपका गुड़ जल भी जाए। और एक कढ़ाई में हमने घी ले लिया है, और ये जो गुड़ का पानी है ना, जो जिसमें गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया, इसको हम ना कढ़ाई में डाल देंगे। ठीक है, इसको अच्छे से छान के डालना है। ठीक है, ऐसे ही नहीं डाल देना है। ठीक है, उसके बाद हम इसको भी कढ़ाई को भी इंडक्शन पे चढ़ा देंगे। ठीक है, और इसमें ना ये जो आटा है, इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ आपने सारा ही आटा डाल देना है, अपने हिसाब से डालना है कि आपके गुड़ के पानी को कितना आटा चाहिए, और इसको धीरे धीरे चलाते रहना है। और देखिए, इस तरह से इसको चलाना जब तक ये इस तरह का ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद इसको आप लो फ्लेम पे पकाते रहें। जैसे जैसे आप इसको हिलाते रहेंगे ना, वैसे वैसे ये थोड़ा हार्ड होता जाएगा, और जैसे जैसे हार्ड होता जाएगा आपको अपना स्पीड बढ़ानी होगी। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ये जल सकता है। ठीक है, देखिए ये हल्का हल्का तैयार होने लग गया। ये अपना हाथ नहीं रोकना, आपको चलाते रहना है, और ये धीरे धीरे ना आपको चलाने में इसको दिक्कत होने लगेगी, ये हार्ड होता जाएगा। तो अच्छे से इसको चलाते रहिए जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता। ठीक है, आप देख सकते हैं अब ये ऑलमोस्ट पक गया है। ठीक है, और इसके बाद हम इसको ना ढक्कन लगा देंगे और इंडक्शन बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, उसके बाद जब ये थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने, ऐसा नहीं कि पूरा ठंडा होने, उसके बाद हाथों में घी लगा के इसके हम गोले बनाएंगे। देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है, और इस तरह के हम इसके गोली बनाएंगे, और इसको हम घी के साथ ही खाते हैं। ठीक है, अगर आपको ना ये गोले गोले नहीं बनाने तो भी कोई बात नहीं, आप इसको डायरेक्ट थाली में सर्व करके घी के साथ खा सकते हैं। ठीक है, अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।